छुट्टी के दिन दोस्तों का फोन आया, लंच हमारे घर में करने का प्रोग्राम बनाया। सुनते ही पत्नी ने कोरी ना कर डाली, खड़े खड़े मेरी खटिया खड़ी कर डाली। दोस्तों मेरा सूप कुछ ऐसा बना रखा था, नहीं डरता पत्नी से बता रखा था। अब दोस्तों के बीच अपनी लाज बचा रहा हूँ, अपनी प्रिय पत्नी को बना रहा हूँ, तो मेरी कविता बात सुनने में पेशा है प्रिय। हे प्रिय वर मेरी, माना घर में चलती तेरी, आज ही अपने घर में मेरे हैं मित्रों की फेरी। हे परियों की रानी मेरी, लाज बचा लेना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना, घर के सारे काम काज मैं यूं निपटा दूंगा। घर के सारे काम काज मैं यूं निपटा दूंगा, खाना भी नहीं बनता तुमसे वो भी बना दूंगा। बड़े अदब से उनके सामने तुम बरता देना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। बात बात में मुझको तुम आंख दिखाना ना, यू यू कर कर उंगली तुम मुझे बुलाना ना। बात बात पर मुझको यू आंख दिखाना ना, यू यू कर कर उंगली तुम मुझे बुलाना ना। सुनते हो पप्पू के पापा आवाज लगा देना, मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। एक बार जब घर से मेहमान चले जाएंगे, हम दोनों फिर अपने किरदार में आएंगे। एक बार जब घर से मेहमान चले जाएंगे, हम दोनों फिर अपने किरदार में आएंगे। भारी भरकम शुल्क चाहे तुम आज लगा लेना, नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। सूट साड़ी और रिंग डायमंड की तुझे दिलाऊंगा, सूट साड़ी और रिंग डायमंड की तुझे दिलाऊंगा। गर्मी की छुट्टियों में पेरिस लेकर जाऊंगा, और रिंग डायमंड की तुझे दिलाऊंगा। गर्मी की छुट्टियों में पेरिस लेकर जाऊंगा, रिंग दिखाकर सखियों के घर आग लगा देना। नहीं डरता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। हे प्रिय वर मेरी, माना घर में चलती तेरी, आज ही अपने घर में मेरे है मित्रों की फेरी। ए परियों की रानी मेरी, लाज बचा लेना, नहीं करता मैं तुमसे ऐसा यकीन दिला देना। थैंक यू।